आइए दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन से, यानी कि फ्रैक्शन से पूछे जाने वाले प्रश्न देखेंगे जो आपके विगत वर्षों के प्रश्न हैं। जैसे आप एसएससी, व्यापम, रेलवे, पीएससी जितने भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आपके प्रश्न में एक से दो नंबर प्रश्न पूछे जाते हैं पीएससी व्यापम के क्वेश्चन में। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न है आपको फ्रैक्शन से, यानी कि भिन्न। भिन्न में हम देखने वाले हैं कि छोटी से बड़ी संख्या देखेंगे या बड़ी भिन्न को छोटी संख्या में चेंज करने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर पूछा जाता है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है, या फिर अवरोही क्रम में प्रश्न पूछा जाता है या फिर आरोही क्रम में, ठीक है। साथ ही प्रतिशत को भिन्न में बदलने वाला प्रश्न पूछा जाता है या प्रतिशत को भिन्न में बदलने वाला प्रश्न पूछा जाता है। तो आज की क्लास स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शन से। जो लोग चैनल पर जुड़ चुके हैं तो जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, लेटेस्ट टाइम पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड की जाती है। साथ ही आप सभी को कहना चाहूंगा कि डेली क्लासेस चल रही है 5 बजे की, गणित की क्लास जो है, चाहे आप व्यापम की तैयारी करो या पीएससी की तैयारी करो, 5 बजे की बैच लग चुकी है, डेली क्लासेस आपको कराया जा रहा है। कल के वीडियो में हमने देखा था मेंसुरेशन से, मेंसुरेशन के जो प्रश्न पूछे गए थे व्यापम में, पीएससी में, एसएससी, रेलवे में, जितने भी विगत वर्षों से प्रश्न किए गए थे वो सब हमने कल सॉल्व किए हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाइएगा उस वीडियो को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है। डेली 5 बजे गणित की क्लास स्टार्ट होती है, चाहे आप छात्रावास अधीक्षक की तैयारी करो, चाहे एसआई भर्ती यानी कि सब इंस्पेक्टर की तैयारी करो। जैसे सब इंस्पेक्टर की जो तैयारी चल रही है, 6 नवंबर को उसका लिखित एग्जाम है, तो जो लोग तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो पर जुड़ जाइएगा, प्लेलिस्ट पर आपको पूरा चैनल मिल जाएगा। आपको डेली क्लासेस कराई जा रही है, छात्रावास अधीक्षक की कम से कम 50% क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। जो लोग तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, लेटेस्ट टाइम पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड की जाती है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो कि आपको सीधा दिमाग में घुस जाएगा, ठीक है, तो आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सबसे बड़ी भिन्न होती क्या है और सबसे छोटी भिन्न होती क्या है। तो सबसे पहले ये सवाल हल करने से पहले आप सभी को उदाहरण में आप सभी को बताने वाला हूँ कि कैसे सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न निकालने का ट्रिक देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर 2/15, 7/15 और 11/15 दिया गया, ठीक है, ये आपका भिन्न दिया हुआ है। तो सबसे पहले ध्यान से समझिएगा क्या क्या होता है। तो इसको हम अंश कहते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा, अंश और हर, ये नीचे वाला हर हो जाएगा, ठीक है, अंश बटा हर। सबसे पहले आपको मुख्य बात याद रखना होगा, ये ऊपर वाले जो दिया गया संख्या उसको अंश कहा जाता है, और साथ ही जो नीचे वाला संख्या दिया गया उसको हर कहा जाता है, ठीक है। तो अंश और हर यानी कि भिन्न है दिया गया, ये भिन्न। तो इसमें देखेंगे कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या क्या होती है। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, यदि कोई भिन्न में हर में अगर संख्या समान हो, यदि कोई भिन्न का हर में जो दिया गया संख्या समान हो, जैसे कि यहाँ पर देखिए 15 दिया गया है, इसके बाद 15 दिया गया, यहाँ पर 15 दिया गया है, ठीक है, यानी कि हर में अगर कोई भी संख्या हर का हर समान हो, यानी कि यहाँ पर 11/15 है, 7/15 है और 2/15 है, तो हर अगर समान हो तो ये 11/15 बड़ी संख्या हो जाएगी और जो छोटी संख्या है 2/15 वो आपका छोटी संख्या हो जाएगी। तो प्रश्न में आपको पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, आप पहचानिए बोलिएगा। तो ध्यान से समझिएगा और बताइएगा कि अंश अगर हर में हर समान हो तो ये जो बड़ी संख्या दिया गया है, अंश में जो बड़ी संख्या होगी वो आपका बड़ी संख्या हो जाएगी। उसी प्रकार आपके सवाल में पूछा गया है कि सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या कौन सी है। तो चलिए देखते हैं 5/13, 3/13, 7/13 और 8/13, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो आप बताइएगा कि हर यहाँ पर समान है तो यहाँ पर 8 सबसे बड़ी संख्या है अंश में, तो ये वाला आपका सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अगर छोटी संख्या पूछा जाए, यहाँ पर 3/13 दिया गया है, यानी कि आपका अंश में सबसे छोटी संख्या 3 है, तो आपकी छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। उसी प्रकार एक और उदाहरण बताऊंगा जो कि परीक्षाओं में पूछा गया है, जैसे कि ये आपको बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न में निकालेंगे, सबसे छोटी संख्या कौन सी है और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है। तो देखिएगा ये आपके अंश में, अब अंश समान दिया गया और हर चेंज किया गया है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हर समान था
तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो संख्या थी आपका भिन्न हो गया है, सबसे बड़ी संख्या। उसी प्रकार यहाँ पर 6/17, 6/13, 6/19 और 6/13, यानी कि इनमें आपका हर अलग अलग दिया गया लेकिन अंश समान है। तो इसमें देखिएगा दोस्तों, जो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या, यहाँ पर पूछा गया सबसे छोटी संख्या पूछा जाए, अगर अंश समान हो तो यहाँ पर जो हर में दिया गया सबसे बड़ी संख्या वो आपका सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, यानी कि 6/18 सबसे छोटी संख्या हो जाएगी अगर अंश में समान दिया रहेगा संख्या तब। अगर यहाँ पर सबसे छोटी संख्या दिया गया 6/13 वो आपका सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी अगर अंश समान हो तब। मुख्य दो बातें याद रखना, अगर अंश समान हो तो अगर ये वाला सबसे छोटी दिया होगा वही आपका सबसे बड़ी भिन्न होगा, और सबसे बड़ा जो संख्या दिया रहेगा वो आपका सबसे बड़ा होगा। उसी प्रकार मैं आप सभी को पहला वाला बताया हूँ कि अगर हर समान हो तो सबसे बड़ी संख्या होगी वह सबसे बड़ी संख्या होगी, और हर में सबसे छोटी संख्या होगी वह सबसे छोटा होगा। उसी प्रकार यहाँ पर अंश में अंश समान हो तो यहाँ पर सबसे जो छोटी संख्या है वह बड़ी हो जाएगी और यह आपका सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो सवाल देखेंगे जो कि व्यापम और पीएससी में पूछा गया है। यह आपके परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए, पहला मैंने आप सभी को बताया था कि एग्जांपल में इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप बताइएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। बहुत सारे लोगों का आंसर आ चुका है, 2 से 3 लोगों का नहीं आ रहा है, 30 से 32 लोगों का आंसर आ चुका है यहाँ पर। ठीक है, 30 से 32 लोगों का आंसर आ चुका है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए, जिन लोगों का आंसर नहीं आया वो कमेंट में बताइएगा। देखिए, 7/13 यानी कि यहाँ पर हर 13 और 13 यानी कि हर क्या बोल रहा है, यहाँ पर समान है तो सबसे बड़ी संख्या 7/13 होगी। उसी प्रकार यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 5/13 है तो आपका छोटी संख्या हो जाएगी, ये आपका छोटी संख्या हो जाएगी, और उसी प्रकार ये आपका बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार इसमें देखते हैं नीचे वाले में कि यहाँ पर अंश समान है तो यहाँ पर 11/5 सबसे छोटी संख्या है लेकिन यह सबसे बड़ी संख्या होगी। जो छोटी वाली संख्या होगी यह आपकी सबसे बड़ी संख्या होगी। उसी प्रकार 11/9 दिया गया है यानी कि यह सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो सबसे पहले देखिए, इन लोगों का आंसर आ चुका है, 32 लोगों का आंसर आया है और 2 से 3 लोगों का आंसर नहीं आया है, तो एक बार देख लीजिएगा, ऐसी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगर कभी भी आप तैयारी कर रहे हैं तो एक बार वीडियो को देख लीजिएगा या फिर वीडियो को डाउनलोड करके रख लीजिएगा। शाम 5 बजे डेली क्लासेस चल रही है तो बिल्कुल ज्वाइन कीजिएगा। चलिए देखते हैं परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, तो सबसे पहले साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदल लेंगे। ठीक है, ऐसे परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ठीक है, तो देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे। साधारण भिन्न को ठीक है, साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में चेंज करना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, 2/5 उसी प्रकार यहाँ पर 4/5 3/4 ठीक है, इसको प्रतिशत में बदलेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, इसको 2/5 दिया गया है तो साधारण भिन्न है, उसको प्रतिशत में बदलने के लिए सबसे पहले आप सभी को प्रतिशत में बदलना होता है। प्रतिशत का मतलब होता है सौ। ठीक है, चाहे कोई भी संख्या हो, चाहे देखिए प्रतिशत जैसे कि 3/4 दिया है, अब उसको प्रतिशत में बदलना है पूछा जाएगा तो आप 100 से इसको गुणा कर दोगे। ठीक है, उसी प्रकार इसको सॉल्व करते हैं, 2/5 दिया है, ये आपका साधारण भिन्न हो गया है, आप साधारण भिन्न को प्रतिशत में चेंज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, तो 2/5 × 100। अब इसके चलिए सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 5 × 5 = 20 × 25 = 100 यानी कि 20 × 40 यानी कि आपका 40% हो जाएगा। उसी प्रकार 4/5 दिया गया है तो उसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर 4/5 × 100 से गुना कर देंगे, ये 5 से 20 बार कट जाएगा और 20 = 80 यानी कि आपका 80% हो जाएगा।
उसी प्रकार 3/4 दिया गया है उसको चेंज करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 3/4 × 100 यानी कि साधारण भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना है। उसी प्रकार 4 से काट देंगे तो 25 बार में जाएगा और 25 × 75 यानी आपका 75% हो जाएगा। यानी कि ऐसी सवाल परीक्षाओं में पूछा जाता है तो एक बार इसको नोट कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। लेटेस्ट टाइम पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड की जाती है 5:00 की क्लास में, डेली क्लासेस चल रही है। जो लोग जुड़ चुके हैं तो जुड़ जाइएगा, यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क क्लास कराया जा रहा है। 3 महीने को बिल्कुल फ्री कोर्स रहने वाला है, ठीक है, कोई भी आपसे फीस नहीं लेने वाला, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया क्या? यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? चलिए आगे बढ़े। अब प्रतिशत को भिन्न में बदलने वाला सवाल देखेंगे। जो प्रतिशत है उसको भिन्न में परिवर्तन करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपका 15% है, उसको आप कैसे भिन्न में बदलेंगे? तो 15% को कैसे करेंगे? 15/100 इसको छोटा रूप में लिख लेते हैं, 5 × 15 और 20 × 5 = 100 यानी कि आपका 3/20 आ जाएगा। ये आपका भिन्न में चेंज हो गया है। जैसे कि आपका यहाँ पर 20% दिया गया है, उसको 20% दिया गया उसको भिन्न में चेंज करेंगे तो यह आपका 20/100 हो जाएगा। 20 × 5 = 100 यानी कि 1/5 आपका आ जाएगा भिन्न में, ठीक है। ऐसा ही एग्जामों में पूछा जाता है, नोट करते हुए चलिएगा। चलिए ठीक है, चलिए आप देखते हैं कि आरोही क्रम, ठीक है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, ये देखेंगे जो कि परीक्षाओं में पूछता है, ठीक है। तो देखिए, मैं आप सभी को मैं बताने वाला था कि फ्रैक्शन से 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे तरीका में बताऊंगा जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो आरोही क्रम में कैसे, देखिए आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। तो इसको कई लोग कैसे करते हैं कि ये बड़ा संख्या देख रहे हैं, ये छोटा संख्या, तो इसको बढ़ते हुए क्रम में लिख देते हैं। तो ऐसा नहीं लिखा जाता, ठीक है, ध्यान से समझिएगा कैसा लिखा जाता है। तो सबसे पहले इसको चेंज करेंगे, इसको इससे भाग करेंगे, उसी प्रकार जो हर्ज है उसको अंश भाग करेंगे, यहाँ पर भी वैसे भाग करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको भाग करके देखते हैं, 2/3, तो इसको यहाँ से ये छोटी संख्या है तो ये 3 से इस भाग नहीं जाएगा तो 0 कर देंगे तो ये भाग चला जाएगा, दशमलव लिख देंगे तो 3 से इसको भाग करेंगे कितना जाएगा, 3 × 6 = 18, ये आपका दशमलव गया है तो ये 20 हो गया है, तो 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, उसी प्रकार ये बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार आपका हो जाएगा, ये मैं आपको 0 इसलिए बताया था कि दशमलव की जगह, ठीक है, अगर दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। उसी प्रकार 4/7 है, 4/7 इसको कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए ये आपका छोटी संख्या नहीं जाएगा तो 0 लगा देंगे, ये दशमलव लगा देंगे, ठीक है, तो ये आपका 40 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 7 × 28 = 7 × 5 = 35, तो ये आपका 5 हो जाएगा। उसी प्रकार 5 बचा है, ठीक है, उसी प्रकार इसको करेंगे कितना आ जाएगा आपका, 57 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर 5/8 है तो 5/8 करते हैं, फिर इसको चेंज करते हैं तो आपको 0 दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर 50 हो जाएगा। तो इसे भाग करेंगे कितना बार में जाएगा, तो यह आपका 6 हो जाएगा। उसी प्रकार आपका 62 हो जाएगा, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम में देखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी, यहाँ पर 66 है, उसके बाद यह है, फिर यह तीसरा नंबर, तो आपका हो जाएगा बढ़ता हुआ क्रम में 4/7। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए बढ़ता हुआ क्रम, इसके बाद ये वाली संख्या यानी कि 5/8, 5/8, उसी प्रकार 2/3, ये आपका बढ़ता हुआ क्रम हो गया है। जैसे कि देखिए यहाँ पर आरोही क्रम में पूछा गया था, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम में, तो देख सकते हैं कि 4/7, 5/8 और 2/3 इस प्रकार बढ़ता हुआ क्रम में होगा। उसके बाद देखेंगे अवरोही क्रम यानी कि घटता हुआ क्रम, इसके बाद घटता हुआ क्रम देखने वाले हैं। चलिए अब अवरोही क्रम देखने वाले हैं, ठीक है। तो अवरोही क्रम में पूछा गया है 3/5, 4/9, 2/7, ये अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए 3/5 इसको सॉल्व करेंगे तो छोटी संख्या है तो 0 दशमलव कर लेंगे, 5 × 30 ये आपका आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर 4/9 दिया गया, 4/9 लिख लेते हैं, ये भी छोटी संख्या है, 0 दशमलव लगाएंगे, ये आपका 40 हो जाएगा, तो 9 × 36 उसी प्रकार ये आ जाएगा, तो अब कितना हो जाएगा, 4 बार। उसी प्रकार ये देखते हैं 2/7,
यानी कि 2/7 दिया गया है, ये आपका फिर 0.9 आ जाएगा, ये छोटी संख्या है, तो 7×4=28। उसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 20 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर 2 से जाएगा ना, उसे 7×2=14 ये आपका हो जाएगा। उसी प्रकार ये आपका 8 बार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो रही है, 0.28, उसके बाद 0.44, उसके बाद 0.6। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 4/9। घटते क्रम में लिखना है, ठीक है, तो घटते क्रम में लिखना है, तो ये आपका हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला आ जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी, ये वाला, ठीक है, 3/5। तो यहाँ पर लिखते हैं 3/5। उसी प्रकार 4/9 और 2/7 ये आपका हो जाएगा अवरोही क्रम। ये आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, लेटेस्ट टाइम पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड कर दीजिए। ये आपको पार्ट 1 वीडियो था, कल हम देखेंगे पार्ट 2 वीडियो।